ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। श्री साईनाथाय नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। अभी जो हम बाबा की अनुपम लीला देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही अलग तरीके की यह है, क्योंकि सृष्टि के सब व्यवहार बाबा को पता होते थे। कौन से चीज पर कौन से दिन में क्या होना है और कैसे क्या घटित होना है, बाबा को पहले ही पता रहता था। ये 1915 की बात है। रामचंद्र आत्माराम तरखड़, इन्होंने ये लिख, अब ये तो ये थे, मतलब साई लीला के संपादक थे। अभी 1931 में ये लीला हुई है और उन्होंने भेजी थी 1 सितंबर 1931 में, एक साई लीला की पत्रिका में वो छाप कर आई है। हम जितनी भी ये लाते हैं साई लीला, अब तक के बाबा के देहधारी होते हुए जो लीलाएं घटित हुई, अब तक उन्हीं से चुनते हैं कुछ गिनी चुनी लीलाएं। ये जब स्टॉक अभी तो बहुत है, हजारों लीलाएं हैं बाबा की। उसके बाद बाबा के देहत्याग के बाद की लीला ले लेंगे, अभी तो बाबा के देहधारी होने की, सदेही होने तक की जो लीलाएं हैं वो हम अब तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1915 में ही घटित हुई, उनको जो ये बताई गई तरखड़ साहब 1931 में, और एक साई लीला के एक पत्रिका में छप कर आई हुई है। हुआ यू कि इनके एक दोस्त, बाबा साहब तरखड़ के एक दोस्त, उनकी धर्मपत्नी ने अभी मकर संक्रांति का जो पर्व आता है उसके लिए वो देते हैं ना हलवा, तिड़गुड़ बोलते हैं, वो एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़े इसका प्रतीक करके वो तिलगुड़ दिया जाता है, और बड़े धूमधाम से पहले वो बनाना चालू हो जाता है। तो इसने वो धर्म, उनके जो दोस्त की धर्मपत्नी है, उन्होंने पहले से बहुत अच्छा बाबा के लिए वो तिलगुड़ का हलवा बना के रख दिया, रखना चालू किया, लेकिन वो 8 दिन पहले ही तैयार हो गया। और उनको फिर चिंता होने लगी, अरे अभी इस मकर संक्रांति को तो, यानी 15 जनवरी को होती है वो, 14 जनवरी को, तो बोले अभी कैसे करें, अभी तो 8 दिन बाकी है। उसमें एक आधी चींटी उसको लग गई और उसने स्वाद ले लिया तो पूरा ताता खड़ा हो जाएगा, पूरी लाइन लग जाएगी, और ये तो तकलीफ वाली काम होगी। तक हो गया, ये तो मैंने बाबा के लिए बनाया, मैं उसको खा भी नहीं सकती और दूसरों को बांट भी नहीं सकती। तो उसने अपनी समस्या अपने पतिदेव को बोली कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, 8 दिन हो गए, अभी बाकी है 8 दिन, और ये तो हलवा अभी रेडी है और मैंने बाबा के लिए बनाया है, तो मुझे तो बाबा को देना है, अभी क्या करें। तो वो बड़ा होशियार था, बोले काम करते हैं ना, कल ही एक पार्सल से, पोस्ट पार्सल से ये भेज देते हैं शिरडी राधा कृष्णाई के पास, राधा कृष्णाई को रख देते हैं वहाँ, वो हिफाजत से उसको रखेगी, और मकर संक्रांति के दिन ये बाबा को अर्पण करो ऐसा उनको लिख देंगे। अब ये दूसरे दिन हुआ, ये बाबा सवेरे नाश्ता करने बैठ गए, और नाश्ता करने बैठे और उन्होंने तात्या कोते पाटिल को बोला, इधर वो जाओ, वो राधा कृष्णाई के पास, राधा कृष्णाई तो नहीं बोलते थे उनको, वो अवदसा बोलते थे, उनका नहीं देते थे वो, क्या उनका वो भक्ति है। तो बोले जाओ उसके पास, और बोले मुझे अभी हलवा चाहिए। अब ये गड़बड़ा गई, बोले
हलवा भी इस वक्त कहाँ से लेंगे, वो जो तिड़ गुड़ का रहता है वो कहाँ से देंगे, अभी तो 8 दिन बाकी है संक्रांति को। उन्होंने तात्या को बोल दिया, राधा कृष्णाई ने बाबा को बोलो, बाबा नहीं कहती थी वो मालिक कहती थी, मालिक को बोलो, क्योंकि वो उनका ऐसी धारणा थी कि गए जन्म में मेरे पति देव थे करके, साईं बाबा। उसकी अपनी एक प्रेम भक्ति बोलो, मीरा भक्ति बोलो, वैसी भक्ति थी। उन्हें बोले मालिक को जाके बोलो अभी 8 दिन है संक्रांति को, अभी नहीं मिलेगी, 8 दिन के बाद मिलेगी, अभी मैंने बनाने को ली भी नहीं है। वो तात्या ने बोला बाबा को, बाबा हलवा वगैरह कुछ अभी बना नहीं है, अभी 8 दिन है मकर संक्रांति को, संक्रांति के पर्व पर वो बांटा जाता है। बोले मुझे कुछ नहीं बना, ये खाना सामने रखा है, मुझे उसके साथ वो खाना है, लेके आप। अरे अभी क्या अभी चाहिए मुझे, अब बाबा ऐसे क्यों करते हैं, सबको बाद में पता चल जाता है। तात्या गए, अरे बाबा तो बोले अब मुझे आज ही चाहिए, अब क्या करें। बड़ी उलझन में पड़ गई राधा कृष्ण आई। इतने में पोस्ट वाला वो पार्सल लेकर आ गया, वो पार्सल लेकर, और बोला ये बंबई से आया हुआ है। राधा कृष्ण आई ने खोला, खोल के वो डिब्बा देखा, अंदर हलवा, वो जो हलवा ही बोलते हैं उसको, तिड़ गुड़, तिल और गुड़ का बनाया हुआ मिश्रण का, बड़ा आनंद हो गया उसको। अरे हाँ यही वजह है, मालिक मांग रहे थे, उन्होंने तात्या जी को बोला, तात्या जी आ जाओ इधर, ये लेके जाओ, ये आ गया है। बाबा ने वो डब्बा गए लिया, पूरा डब्बा ही भेज दिया था, डब्बा लिया, क्योंकि ये तो प्रसाद स्वरूप आया था तो बाबा को तो अर्पण करना ही है। तो जब आया उन्होंने खोला, चंद दाने मुँह में डाले, खाए चाव से, बंद किया और तात्या को बोला, तात्या सुन ये वो अवदसों को दे दे, अवदसरे कलमुई को दे दे, और बोल रख दे तेरे पास, और वो मकर संक्रांति के दिन मेरे पास आना चाहिए, मुझे फिर से वो देना चाहिए, अभी तो मैंने खा लिया, मुझे चाहिए था, कुछ वजह थी, अभी उसको बोला अपने पास रख। क्यों किया बाबा ने ऐसा? मकर संक्रांति का पर्व अभी 8 दिन के बाद है, उसके बाद वो तिलगुल दिया जाता है और एक दूसरे को आलिंगन या नमस्कार किया जाता है। वो जो उसकी वो जो भक्त जिन्होंने ये बना के भेजा था, उसको डर था कि बाबा के जाने के पहले, हालांकि बाबा चींटी बनकर भी वो खा सकते हैं, तो बाबा के जाने के पहले कहीं वो चींटी का भक्ष्य न बन जाए, वो चींटी को पहले अर्पण न हो जाए, बाबा के मुंह में पहले निवाला जाना चाहिए, मात्र उन्हें इच्छा थी उसकी। तो वो क्या किया, वो बराबर वहां पहुंच गया। राधा कृष्ण आई ने बाबा ने ऐसी लीला दिखाई, क्योंकि बाबा को मालूम था कि ये ऐसा ऐसा पोस्ट से आ रहा है, वो अभी इस रास्ते पर है, बस बोल दिया उनको कि हलवा लेकर रहा। क्या जताती है ये लीला, क्या कहती है, सृष्टि के सब व्यवहार, कौन क्या किस वक्त क्या कर रहा है पता रहता है बाबा को। वो हलवा पोस्ट से अभी पहुंच जाएगा, इसका यथोचित ज्ञान बाबा को पहले ही था। हम अभी जो भी हमारा प्रत्येक आचार, प्रत्येक विचार, हर एक कृति, हम जो भी करते हैं बाबा से कुछ छुपा नहीं है। ये मत समझो कि अरे बाबा तो शिरडी में है, इधर हम कुछ भी करे चलेंगे, एक दिन चलता है, नहीं चलता है, बाबा देखते हैं बराबर, बाबा को पता है, वो लिखा जोखा सब उनके पास लिखा हुआ रहता है। अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए हमेशा एक याद रखना मेरे गुरु बंधु और भगिनी भाइयों बहनों, कि बाबा को कुछ भी अपना कुछ भी अज्ञात है ऐसा नहीं है, सब कुछ ज्ञात है। कब कुछ कौन आदमी का किस वक्त फलाओ क्या कर रहा है ये सब पता है उनको, बस उनको डर के रहना है। बाबा हमेशा मेरे साथ है, तो हमारी जो पातक की राशि है वो कम होती है और नील पर आ जाती है। बाबा हर घड़ी हर लम्हा हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पता है बाबा को। जिस तरह ये संक्रांत मकर संक्रांति का पर्व पर जो हलवा
जो तिल गुड़ है वो देने की, वो जो लीला हमने अभी सुनी, बस उसी को लग कर उसी की वैसे ही उसी प्रकार में आने वाली और एक लीला, बाबा से कुछ छुपा नहीं है, ये जताने वाली लीला और एक है। वहाँ यो कि बाबा के जाने माने सावित्री बाई तेंदुलकर, इनकी भजन माला है वो जो सावित्री बाई तेंदुलकर, ये मद्रास में रहते थे, वहाँ उनके घर के सामने एक बकुल फूल का एक झाड़ था थोड़ा सा, तो बहुत सारे सीजन में बहुत सारे वो उसको फूल लगते थे, वो बड़े पैमाने पे बड़े तादाद पर में आते थे, तो सावित्री बाई क्या करती थी, उसको जमा कर देती थी, अपने घर गृहस्थी संभालते उसका फूलों का हार घर में ही पिरोया करती थी, और वो बाबा को तस्वीर पोछा लगाती थी। वो जैसे वो लगाती थी, एक दो करते 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 ये बड़ी फूलों की माला हो गई, बाबा के पूरा शरीर उसमें ढक गया, लगाती रही। उसके बाद फूलों की मात्रा कम हो गई, वो बहर जो है मौसम वो निकल गया, तो ये जो पति पत्नी सावित्री बाई तेंदुलकर और उनके पति पतिदेव, ये शिरडी में गए। शिरडी में जाते ही बाबा ने काका साहब दीक्षित सामने बैठे होते, तो काका साहब दीक्षित ने दीक्षित को बाबा ने बोला, काका अरे ला गए 2-3 महीने, मैं यहाँ था किधर, मैं इधर था ही नहीं, मैं तो ये माँ के घर में था। अरे वो फूलों के से एक 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 ऐसा पड़ गया कि मुझे पूरा ढक के रख दिया था उसने, मेरा दम घुट रहा था, अरे बाका का मेरा दम घुट रहा था, अब जरा ठीक लग रहा है, अभी मैं सांस ले रहा हूँ। कि छोटी छोटी बातों में बाबा अपने अस्तित्व, ये जो तस्वीरें में मैं बैठा हूं और ये माई की भक्ति में स्वीकार कर रहा था, और उसने इस तरीके से मुझे फूलों से इतने मैं खुद छुप गया था वो फूलों के पीछे, हार के पीछे, क्योंकि वो लगाती थी वैसा ही रखती थी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं कि कंप्लेन नहीं थी, लेकिन मैं इनके ये माई की जो भक्ति है वो भक्ति में ही वहीं तृप्त हो गया था, मैं था ही नहीं इधर, मैं तो बांद्रा में था इसके घर में। ये कथा, और वो संक्रांत के पर्व पर बाबा ने अपेक्षित की हुई हलवे की कथा क्या कहती है, छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म बातें, आप कुछ भी जिस तरीके का भक्ति में आप कृति करते हो, कार्य करते हो, बाबा तक पहुंच ही जाता है, बाबा से कुछ छुपा नहीं है। ओम साईराम। अवघारंगई कझाला रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।